वेलकम स्टूडेंट्स सो इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट चैप्टर नंबर फिफ्टीन स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लिया ये जो चैप्टर है फोर मार्क्स के लिए इसके कंपलसरी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं और सिक्स मार्क्स के साथ ये ऑप्शन में भी इसे पूछा जाता है सो इन दिस चैप्टर द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज बोहर स्पोशलिट्स सो वी विल स्टार्ट विद द बोहर स्पोशलेट्स बोहर्स पॉस्टुलिट्स सो बोहर स्टडीड हाइड्रोजन आइटम बोहर ने हाइड्रोजन आइटम का स्टडी किया है और उसके बाद उसने जो थ्री एजुमशन दिए हैं, उसे हम क्या कहेंगे बोहर्स पॉस्टुलिट्स ये थ्री मार्क्स के लिए थ्री पॉस्टूलेट्स आपको लिखने पड़ते हैं सो व्हाट इज द फर्स्ट पोस्टलेट बोहर्स फर्स्ट पॉस्टिलेट द सेंट्रिपिटल फोर्स दैट इज यम वी स्क्वेयर बाय आर इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वन बाय फोर पा एप्सुल नॉट जेड इज स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर सो हियर यू कैन सी दैट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस सो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है अराउंड द न्यूक्लियस तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है लेट्स कंसिडर आर सो द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स दैट इज यम वी स्क्वेयर बाय आर इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिट्वीन द निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हमारे पास कुलूम स्लॉ है दैट इज वन बाय फोर बाय एप्सुल नॉट झेड ई स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर सो हियर यू कैन राइट द बोहर्स फर्स्ट पॉचलेट mv square by r is equal to 1 by 4 pi epsilon naught z e square by r square. The necessary centripetal force for the motion of electron is provided by the electrostatic force of attraction between the negatively charged electron and positively charged the nucleus. Now we will write the Bohr's second postulate. mvr is equal to nh by 2 pi. mvr is equal to nh by 2 pi so when electron revolving that time its angular momentum is mvr n is the principal quantum number h is the planck's constant divided by 2 pi electron revolves only in those orbit for which angular momentum is equal to the integral multiple of h upon 2 pi so here mvr is the angular momentum and n is the principal quantum number what is principal quantum number the number of orbit लेट्स कंसीडर दिस इज़ आवर फर्स्ट ऑर्बिट दिस इज आवर सेकंड ऑर्बिट तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वन होगा यहाँ पे टू होगा सिमिलरली जैसा जैसा ऑर्बिट का नंबर है उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सो दिस इज आवर बोहर सेकेंड पॉस्टलेट थर्ड पॉस्टलेट वेन इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम हाइयर एनर्जी ऑर्बिट टू द लोअर एनर्जी ऑर्बिट इट्स एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ फोटोन तो so, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी भी में जंप जंप करता है तो उसका जो एनर्जी डिफरेंस है ये फोटोन के एनर्जी के इक्वल है सो दिस इज अवर बोहर्स थर्ड पॉस्टिलेट नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन शो दैट बोहर्स रेडियस Is directly proportional to the Square of Principal Quantum Number Square of Principal Quantum Number

what is बोअर्स फर्स्ट postulate that इज यम वी स्क्वेयर बाय आर इज इक्वल टू वन बाय फोर पाए एप्सुल नॉट झेड ई स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर तो यहाँ पे जो आर आर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास अभी है यम वी स्क्वेयर बाय आर इज इक्वल टू झेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय फोर पाए नॉट आर यहाँ पे झेड नंबर है एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू ये आर आर कैंसिल हो चुका है सो so यहाँ पे सिर्फ एम वी स्क्वायर बाय आर है ओके सो हियर फर्स्ट वी विल फाइंड द इक्वेशन फॉर वी स्क्वायर दैट विल बी जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर पाय एप्सिलॉन नॉट आर और ये जो मल्टीप्लीकेशन में यम है इसे हम यहाँ पे डिविजन में लेके आएंगे तो दिस विल बी आवर इक्वेसन नंबर वन तो हमने बोहर्स की जो

bohr's second postulate so what is bohr's second postulate mvr is equal to nh upon 2 pi so now taking square of both sides you can write here m square v square is equal to r square n square h square divided by 4 pi square सो सिमिलरली इन इक्वेशन वन यू कैन सी हियर वी स्क्वेयर सो हियर ऑल्सो वी विल फाइंड द इक्वेशन फॉर वी स्क्वेयर तो इक्वेशन वन में जिस तरह से वी स्क्वायर था इस तरह से हम इक्वेशन टू के लिए भी वी स्क्वायर के लिए इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं तो so, यहाँ पे आप लिखेंगे एन स्क्वायर एच स्क्वायेयर डिवाइडेड बाय फोर पाई स्क्वायर ये जो एम स्क्वायर आर स्क्वायर इसे हम डिवीजन में लाएंगे दिस विल बी इक्वेशन नंबर टू सो फर्स्ट इक्वेशन इसमें भी वी स्क्वेयर है सेकेंड इक्वेशन इसमें भी वी स्क्वेयर है तो एल एच एस सेम है लेफ्ट हैंड साइड सेम है इसलिए हम आर एच एस को भी इक्वल दिखा सकते हैं सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू आई विल राइट फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय फोर बाय एप्सिलॉन नॉट आर एम इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर बाय स्क्वेयर एम स्क्वेयर आर स्क्वेयर तो इक्वेशन वन एंड टू में जो राइट हैंड साइड है उसे हम यहाँ पे इक्वल दिखा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो जाएगा उसे कैंसिल करेंगे तो दिस फोर फोर एंड दिस पाई पाई विल गेट कैंसल सिमिलरली दिस एम एम एंड दिस वन आर एंड दिस आर विल गेट कैंसर सो हियर यू हैव जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एप्सुल नॉट एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर पा एम आर तो अभी हम आर को यहाँ पर लिखेंगे ऊपर और यहाँ पे हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई एम जेड ई स्क्वायर तो ये जो इक्वेशन है ये रेडियस के लिए इक्वेशन है जब भी आपको एग्जाम में पूछेंगे फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर बोहर्स रेडियस सो दिस इक्वेशन यू हैव टू प्रूव फ्रॉम दिस यू कैन राइट दैट आर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एन स्क्वेयर सो जो बोहर्स रेडियस है ये डायरेक्टली प्रपोर्शनल है स्क्वेयर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सो दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इक्वेशन इन दिस चैप्टर द फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर बोहर्स रेडियस और दे कैन आस्क यू शो दैट द बोहर्स रेडियस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ओके तो हमने अभी जो क्वेश्चंस देखे हैं तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है बोहर स्पोस्टलेट्स के बारे में बोहर स्पोस्टलेट्स उसके बाद रेडियस का इक्वेशन फाइंड किया है ओके अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी देन वी विल सॉल्व द एक्सप्रेशन फॉर द रेडबर्स फॉर्मूला एनर्जी लेवल डायग्राम So thank you for watching this video.